रहमान रहीम, हमने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद बतौर मुहिब वतन पुरअमन गैर मुसल्ला रजिस्टर्ड सियासी जमात रखी थी ताकि इस्लामी तालीमात के फरोग नमो रिसालत वक्त नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क व मिल्लत की फलाह अवाम के हुकूक को खिदमत के लिए आईने पाकिस्तान के मुताबिक शानदार किरदार अदा किया जाए। अक्टूबर 2018 में आसिया मसीह केस के सिलसिला में तहरीक लब्बैक ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए कॉल दी, जिसके बाद मुल्क भर में एहतजाज हुआ। कई मकाम पर रोड ब्लॉक होने की वजह से आवाम उन्नास को तकलीफ का सामना रहा। इस मौका पर जज्बात के आलम में मेरी तरफ से आला मुल्की अहदेदारान व सियासी रहनुमाओं के मुतलक इंतहाई सख्त तकरीर की गई। बाद अज़ां वफाकी व सूबाई हुकूमत से मुज़ाकरात हुए, जिस किसी की भी बिलाजवाब दिलाजारी हुई या तकलीफ पहुँची उस पर माजद की गई और बाहमी रजामंदी से तहरीरी मौजा तय पा गया और मुल्क भर से एहतजाज ख़त्म हो गया। इसके बाद तहरीक की जानब से 25 नवंबर को लियाकत बागता फैज़ाबाद रैली और अख्ताम पर फैज़ाबाद के मुकाम पर शोदा ख़दम नबूवत के सालाना ख़त्म पा के काल दी गई, जिस पर वफाकी सूबाई हुकूमत ने रब्ता किया और कहा कि मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी के हालात इसके मुतामिल नहीं, लिहाजा अपने अपने शहरों में प्रोग्राम कर लें। लेकिन तहरीक की जानब से कार वापस न ली गई और हुकूमत ने क़यादत व कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। अंदरूनी हालात वाजे करना चाहता हूँ कि मैं हार्ट फेलियर, फालिज, अमराज गुर्दा, हाई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह अमराज का शिकार हूँ। जब आसिया मसीह का फैसला आया तो जज्बात ईमानी शदीद मजरूह हुए और तकरीर की। मैं हुकूमत अदलिया और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की दिल आजारी पर इंतहाई माज़ुर ख़्वाह हूँ। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक के ज़िम्मेदारान सूरत हाल का इदराक करते हुए और क़यादत की बारी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए मामलात को बेहतर करेंगे और माशरे की इस्लाह के लिए किरदार अदा करेंगे। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के आइन, कानून और तमाम इदारों का एहतराम किया जाएगा। वतन अजीब पाकिस्तान की फलाह, सलामती, अमन अमान के लिए और बदअमनी के खात्मे के लिए किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के शाना बशाना रहेंगे। अपना नुकता नज़र कुरान सुन्नत और आइन व कानून की रोशनी में मुनासिब अंदाज में बयान करेंगे। जलाओ गिराओ और अवामी व सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी, कत्ल वगारत, फितना फसाद, फिरका वाराना मुसल्ला कार्रवाइयों की हौसला शिकनी की जाएगी। कारकुनान अखलाक का मुजाहरा करें, पुरअमन रहें, मुल्की सलामती के खिलाफ तमाम उमूर से इजतनाब करें। कोई कारकुन गैर इस्लामी, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हुआ तो तहरीकी डिसिप्लिन के तहत तातीबी कार्रवाई और लातलकी इख्तियार की जाएगी। तहरीक लब्बैक ने बाबुलपुर वाक़े से लातलकी का ऐलान किया है, ऐसे ना गैर मुनासिब वाक़ात की हमायत नहीं की जाएगी। उनके अलालत के बाइस गुज़श्ता साल रिटायरमेंट का फैसला कर लिया था और अहबाब को मुतल कर दिया था। अब चूँकि सेहत मजीद अलील और शदीद जिस्मानी कमजोरी वाक़ हो चुकी है, लिहाजा तहरीक की अमली जदोजहद से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क व मिल्लत का हामी व नासिर हो।